अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। इंडिया की जानिब से हठधर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है और एक एग्रीमेंट भेजा था जिसको पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है। एशिया कप का ये एग्रीमेंट था और इसके ऊपर नजम सिद्दीकी साहब ने क्या कहा कि क्या इस एग्रीमेंट के अंदर एतराजात हैं, इंडिया क्या चाह रहा है एशिया कप को लेकर, कौन कौन सी शराइत जो है वो इस एग्रीमेंट के अंदर लगाई थी जिसके ऊपर पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है और बताया है कि ये चीजें किसी एग्रीमेंट के अंदर नहीं होती और खास तौर पर उस मुल्क के एग्रीमेंट के अंदर जिसके अंदर वो होस्ट हो यानी कि मेजबान हो। एशिया कप का एग्रीमेंट पाकिस्तान के पास आया था, वो पाकिस्तान ने एतराज लगाकर ऑब्जेक्शन लगाकर वापस भेज दिया है। ये एक सिंपल सी खबर है, इसके ऊपर इसकी तफसील क्या है और ये एग्रीमेंट इतना लेट क्यों आया है, नजम सिद्दीकी साहब इस बारे में क्या बताते हैं, इस बारे में मुकम्मल तौर पर तफसीलात आज आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। और इसके अंदर ये भी बताऊंगा कि किस तरह ढिठाई के साथ, किस तरह हठधर्मी के साथ, चालाकी के साथ, कहते हैं ना इंडियंस और या खासतौर पर हिंदुओं को कि वो शातिर होते हैं, चालाक होते हैं, वो आपके ऊपर सामने से वार नहीं करते, आपके पीछे से वार करेंगे, जिसकी वजह से वो जो है ना चाहेंगे कि खुद उनकी अपनी जान जो है वो बच जाए। हमेशा किसी भी जंग के अंदर या फिर इनकी सरिश के अंदर ये शामिल होता है, इनकी घुट्टी के अंदर ये मिलावा होता है, उनके खून के अंदर ये बात शामिल होती है कि कभी भी आपके ऊपर जो है वो सामने से वार नहीं करेंगे, हमेशा पीछे से आपके ऊपर वार करेंगे और ऐसी हरकतें करेंगे जिसकी वजह से उनको बराह रास्त कोई नुकसान ना हो, दुश्मन के ऊपर जो है वो उसका असर हो। यही चीज जो है ये हमने देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो अपनी जैसे खून के अंदर शामिल होता है, वही उसी मजबूरी की बुनियाद पर अब हमारे साथ पाकिस्तान के साथ कर रहा है और दुनिया भर के मुसलमानों के साथ, अपने अंदर जो मौजूद इंडिया के अंदर मौजूद मुसलमान हैं उनके साथ भी कुछ यही कुछ कर रहा है। पाकिस्तान ने एशिया कप की मेजबानी का एग्रीमेंट एतराज लगाकर ACC को वापस भेज दिया है। नजम सिद्दीकी का कहना है कि जब मैं आया था PCB के अंदर तो मैंने वहां पर मौजूद लोगों से पूछा था, काफी सालों के बाद वो आए थे तो उन्होंने पूछा कि रमीज राजा ने एशिया कप की मेजबानी के हवाले से किसी किस्म के कोई दस्तखत किए हैं या कवायद जवाबित के ऊपर कोई एग्रीमेंट हुआ है। इस पर उनको जवाब मिला PCB के उस वक्त के जो लोग वहां पर थे कि अभी तक एशियन क्रिकेट काउंसिल की जाने से ऐसी कोई दस्तावेज मौसूल नहीं हुई। फिर मैंने काफी भागदौड़ की, नजम सिद्दीकी आप कहते हैं कि मैंने भागदौड़ की, ट्विटर पर ACC के सदर जय शाह से भी बहस हुई, मीटिंग के मिनट्स में एहतजाज रिकॉर्ड कराए कि ताखिर की वजह बताएं और फौरी तौर पर भेजें। इसके बाद अब जाकर, इतने अरसे के बाद अब जाकर हमें एशिया कप की मेजबानी का एग्रीमेंट भेजा गया है। और नजम सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि इसको पढ़कर ऐसा लगा है कि भारत ही फैसला करेगा कि इवेंट कहाँ होगा, ACC का सदर है भारत और इसलिए हमने तरमीम करके इस दस्तावेज को वापस भिजवा दिया है। खास तौर पर इस वक्त एक बात यह है कि भारत जो है वो ACC का सदर है और भारत जो है वो एतराज भी कर रहा है। दो चीज़ें हैं, एक तो ACC एक अलग बॉडी है, उसके तमाम मेंबर्स हैं, उसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, ये सब है। उसकी सदारत जो है वो 2 साल के लिए इंडिया को दी गई है, तो इंडिया को ही इस बात के ऊपर एतराज है कि एशिया कप कहाँ होगा। अच्छा, जब सदारत दी जा रही थी उस वक्त भी इंडिया वहाँ मौजूद था, उस वक्त उनके मुंह से किसी किस्म की कोई बकवास निकली कि हमको बाद में मसला हो सकता है या कोई एतराज आ सकता है? वो ये सोच के बैठे हुए थे कि हमको जो है ना जब खीर पकने लगेगी उसके बाद उसके अंदर मेंगनियाँ डालनी है ताकि उसका जो है पुरानी आदत जो है वो अपनी आदत से मजबूर होकर उसके ऊपर काम किया जाए। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया की जानिब से जो है वो एतराज़ किया गया है और एतराज़ ऐसा कि हमको जो है वो एशिया कप जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलना, इसलिए इसको न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। अब इंडिया सिर्फ ये कह रहा है कि बाकी टीमें आ रही हैं, 5 टीमें, अगर 5 टीमों का एक टूर्नामेंट है, 5-6 टीमों का, एक टीम एतराज़ कर रही है तो पूरे टूर्नामेंट को वहाँ से निकाल लो। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी और इतनी, अच्छा एक और खबर, कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ मैं कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जानिब से एक बोगस न्यूज़ सामने फैलाई गई है, उसके अंदर ये बात कही गई है। कल इस खबर की हमने देखा कि कुछ तफसीलात सामने आई हैं कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जानिब से बताया गया कि पाकिस्तान चेन्नई और कोलकाता के अंदर वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने को तैयार है। इस तरह की बोगस न्यूज़, फेक न्यूज़ जो है वो फैलाकर ये लोग जो है अपने वर्ल्ड कप को कामयाब करने की कोशिश करना चाहते हैं। ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, इस खबर के अंदर कोई सदाकत नहीं है। इंडिया जो है वो झूठ के ऊपर परवान चढ़ा है, झूठ इनके खून के अंदर मिला हुआ है, धोखा दही इनके खून के अंदर है। दूसरों को धोखा देकर आप फंसाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपका सगा भाई क्यों ना हो,
इनके अंदर ये चीज है, इसीलिए अपनी आवाम से भी झूठ बोलते हैं। डिस इन्फो लैब जो है वो इंडिया के अंदर पाई जाती है और दुनिया भर के अंदर इस बात को चर्चा हो चुका है कि इंडिया जो है वो झूठ पाकिस्तान के हवाले से झूठ बहुत ज्यादा फैलाता है। इसलिए इंडिया की पाकिस्तान के हवाले से किसी भी बात को जो है ना वो थर्ड पार्टी से या खुद कन्फर्म कर लो, इंडिया से किसी किस्म की कोई कन्फर्मेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के मामले पर इंडिया 100% बल्कि उससे भी ज्यादा झूठ बोलता है। ये बात एकदम से जहन में आई थी कि कहीं आप लोग ये ना सोचें कि ये पाकिस्तान जो है वो पीछे से कहीं फैसला कर चुका है कि इंडिया के साथ जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर शिरकत करनी है इंडिया के अंदर, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो झूठी खबर फैला रहा है एक तो, दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान ने जब एतराज किया था कि इंडिया के अंदर उनकी सिक्योरिटी को मसला है तो पाकिस्तान ने दो शहरों को ओके किया था, उनमें चेन्नई और कोलकाता थे, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाले शायद इस पागलपन के अंदर मुब्तला हो गए हैं कि अगर पिछली दफा उन्होंने पाकिस्तान ने 2016 के अंदर इस बात को एक्सेप्ट किया था कि कोलकाता और चेन्नई जो है वो इस वक्त बेहतरीन शहर है सिक्योरिटी के हवाले से, तो शायद इस बार भी पाकिस्तान को यही दोनों शहर जो हैं वो पसंद आएंगे और सिक्योरिटी के लिए इन्हीं शहरों को बताएगा। इसलिए इंतहाई बोगस खबर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वालों ने दी है। अब आ जाते हैं नजम सिटी वाली बात के ऊपर जो उन्होंने शेड्यूल को मौतल किया है। नजम सिटी ये बताते हैं वो खबर जो मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि मस्कत और ओमान की किसी ने तजवीज पेश की है। उनका ये कहना है कि इवेंट एशिया में भारत के मुकाबलों के लिए उसे भी न्यूट्रल वेन्यू बनाया जा सकता है। मस्कत, ओमान, दुबई, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे इवेंट जो मेजबान हैं या एशिया कप के लिए थर्ड पार्टी के तौर पर सामने आना चाहते हैं उनमें ये ममालिक शामिल हैं। इसीलिए पाकिस्तान की जानिब से जो है वो कहा गया है कि अगर हाइब्रिड मॉडल जो है उसको ओके करना है तो फिर पाकिस्तान को जो है वो इस हवाले से एक चांस मिल जाएगा कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान जो है वो इसी मॉडल को लेकर आगे बढ़े और आईसीसी को दे ताकि ये चीज जो है एक्सेप्ट हो कि पाकिस्तान के अंदर जब एशिया कप होता है और इंडिया वहां पर नहीं आता तो एक हाइब्रिड मॉडल के तहत हम तीसरे मुल्क के अंदर ये करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता तो फिर हम जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी तीसरे थर्ड मुल्क के अंदर जो है वो इस किस्म का इनकार करना चाहते हैं। इसके लिए आईसीसी को पाकिस्तान जो है वो कायल करने की कोशिश करेगा। कुछ लोग एतराज करते हैं इस बात का कि पाकिस्तानियत और इंडियन के एहतराम जो है वो आप बिल्कुल भी नहीं करते, ह्यूमन बीइंग के तौर पर आपको इस बात का किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है कि लोग जो है वो क्या सोचेंगे आप जो है जिस तरह की बातें करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि मैं उनके लिए वीडियो नहीं बना रहा। अगर किसी को इस बात का एतराज है कि मैं कोई ऐसी गलत बात कर रहा हूं तो भाई वो मेरी वीडियो नहीं देखे, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि कौन सी बात करनी चाहिए कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि सोशल मीडिया के अलावा जो केबल के ऊपर आप या डीटीएच के अंदर देखते हैं वो वाला मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया, इसके अंदर क्या क्या हुदूद है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ों को टच करना है, तो इसका मतलब है कि मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रेड लाइन के आगे हैं, रेड लाइन से पहले हैं, तो मुझे पता है, मुझे कोई बताने की कोशिश ना करें कमेंट्स के अंदर कि आपकी क्या हुदूद है क्या नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया की अभी भी सामने आनी हैं और मैं बहुत ज़्यादा लिहाज करके जो है वो इन चीज़ों को जो है अभी सामने नहीं लाता, क्योंकि जो चीज़ कंफर्म ना हो उसके ऊपर बात करना जो है वो मेरी आदत नहीं है। जब तक मैं कंफर्म नहीं करूँगा जब तक मैं उस चीज़ के ऊपर बात नहीं करूँगा। बहुत सी चीज़ें मैं अभी भी कर सकता हूँ लेकिन अभी भी मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ जब तक कंफर्म नहीं हो जाती मैं उस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं करूँ। इंडिया की जानिब से हठधर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है, पाकिस्तान को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है और हमेशा पाकिस्तान के साथ धोखा किया जाता है इंडिया की जानिब से। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान नहीं करता होगा, पाकिस्तान भी इंडिया को इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तानी बहुत कुछ करता होगा, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है वो पाकिस्तान की ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर कोई भी आप लोगों को शिकायत होती है तो मिल बैठ कर बात करने का एक रास्ता होता है, लेकिन उसके ऊपर इंडियंस जो है वो किसी तरह राज़ी नहीं है कि मिल बैठ कर बात करने के लिए जो है हम तैयार नहीं हैं। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपको इसी तरह सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान जो है वो आपको दुनिया भर के अंदर सामने जो है लाकर आपको झूठा साबित करने की कोशिश करेगा। जो जो वादे पाकिस्तान ने आपके साथ किए थे और आपने पाकिस्तान के साथ किए थे, पाकिस्तान ने कितने वादे पूरे किए कितने आपने पूरे नहीं किए,
तो वो सारी चीजें सामने आएंगी और हिसाब होगा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की बल पर अगर इतना ज्यादा अमीर बोर्ड बन के बैठा हुआ है तो उसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा होना चाहिए। अब पाकिस्तान की बारी है, बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान के इस वक्त पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू और इस वक्त जो टाइमिंग है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। एशिया कप से पहले और वर्ल्ड कप से पहले ये पाकिस्तान ने जो ट्रम्प कार्ड खेला है इसके अंदर मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो है वो ज़्यादा तौर पर इसके चांसेस जो हैं कि जो मामला है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन का, क्रिकेट का, बायलैटरल सीरीज का, ये मामला शायद इस तरह हल हो सकता है क्योंकि और कोई चांस नहीं है, आप किसी और तरीके से ये मामला हल नहीं कर सकते। इसलिए लोहा गर्म देखने का मुजाहरा करना चाहिए, लोहा गर्म होने का इंतजार करना चाहिए। जैसी लोहा गर्म हो आप फौरन लोहे के ऊपर मारे हथौड़ा और अपनी मतलब का जो है वो शेप हासिल कर ले। इस वक्त पाकिस्तान उसी पोजीशन के अंदर है कि हथौड़ा मारे और अपनी मतलब का शेप हासिल कर ले। पाकिस्तान किस हद तक कामयाब हो सकता है इसका फैसला जो है पाकिस्तान के स्टेप्स, यानी कि जो पाकिस्तान स्टेप्स चलता है इन चीज़ों के अंदर या शतरंज की तरह जो चाल चलता है इसके अंदर पाकिस्तान की कामयाबी या नाकामी का वो होगा। कितना शार्प माइंड होकर पाकिस्तान का जो चेयरमैन है नजम सेठी साहब या कोई और चेयरमैन भी आ जाए वो कितना शार्प माइंड तरीके से इस मामले को हैंडल करता है ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान जीतेगा या फिर पाकिस्तान ये जंग हार जाएगा। हम भी यही हैं मौजूद और जो भी खबर होगी उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। ये चीज़ चल रही थी एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर, इसलिए सोचा कि आपको इस बारे में इल्म मिलाना ज़रूरी है। वीडियो आपने देखी है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपकी क्या राय है और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।